वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए आर्म्स की बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ। एंड जो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए ना ही किसी तरह के इक्विपमेंट की जरूरत है, ना ही आपको इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत है। आप इन एक्सरसाइजेस को आराम से अपने टेरेस पे या अपने रूम पे आराम से खड़े होके कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी निकालने की जरूरत नहीं है, ओनली 10 to 15 मिनट्स निकालने की जरूरत है। एंड सबसे जरूरी बात कि आपको एक्सरसाइजेस करते टाइम पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। एंड आप कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको कोई भी एक्सरसाइजेस खाली पेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करते टाइम हमें काफी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आप खाली पेट करते हैं तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती है आपकी बॉडी में, जिसके वजह से आप कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो सारी एक्सरसाइजेस ठीक से नहीं हो पाती है। सो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। इन एक्सरसाइजेस को आप मेरे बिल्कुल ध्यान से देखें, देन फॉलो करें। कोई भी गलत एक्सरसाइज नहीं करनी है, ना ही आपको कोई गलत एक्सरसाइज देखनी। अगर आप कोई भी गलत एक्सरसाइज करते हैं तो उन एक्सरसाइजेस का भी आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। सो जैसा मैं कर रही हूँ सेम मुझे फॉलो करना है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हम इस वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों लेग्स को ओपन करके दोनों लेग्स के बीच में नॉर्मल गैप रखना है। देन अपने दोनों हैंड्स को ओपन करके स्ट्रेट करके फर्स्ट अपने दोनों हैंड्स को हमें फ्रंट साइड लेके जाना है, देन डाउन साइड। इसको 15 के 2 सेट्स करने हैं। जब आप अपने दोनों हैंड्स को फ्रंट साइड लेके जाओगे तो आपको अपने चेस्ट को डाउन ही रखना है। जब अपने दोनों हैंड्स को आप अपने बैक साइड यानी कि डाउन साइड लेके जाओगे तो आपको अपने चेस्ट को फ्रंट साइड पुश करके रखना है। इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम हम अपने दोनों लेग्स को ओपन करके दोनों हैंड्स को ओपन करके फर्स्ट हमें अपने दोनों हैंड्स को फ्रंट साइड पुश करना है। अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है। इसको भी हमें 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम हमें अपने दोनों हैंड्स को ओपन करके हमें अपने दोनों हैंड्स को बैक साइड पुश करना है। जब हम अपने दोनों हैंड्स को बैक साइड लेके जाएंगे तो हमें अपने चेस्ट को फ्रंट साइड पुश करके रखना है। इसको भी हम 15 के 2 सेट्स कर लेंगे। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने दोनों लेग्स को ओपन करके दोनों लेग्स के बीच में नॉर्मल गैप रखना है। देन अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके हमें अपनी बॉडी को डाउन करना है। देन अपने दोनों हैंड्स को बैक साइड ले जाके हमें अपने दोनों हैंड्स को क्रॉस करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करना। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम में अपने दोनों लेग्स को बेंड करके रखना है। फर्स्ट अपने दोनों हैंड्स को हमें बैक साइड लेके जाना है, अप साइड उठाना है। 2 टाइम हमें अपने दोनों हैंड्स को बैक साइड अप साइड उठाना है। देन अपने दोनों हैंड्स को हमें स्लोली फ्रंट साइड अप साइड लाना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके अपने बॉडी को डाउन साइड लेके जाना है। देन अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके फ्रंट साइड लेके आना है। फर्स्ट अपने दोनों हैंड्स को बैक साइड लेके जाना है, देन फ्रंट साइड लेके आना है। इसको भी हमें 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम अपने दोनों लेग्स को जॉइन करके देन अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके अपने दोनों हैंड्स को हमें बैक साइड ले जाके दोनों हैंड्स को हमें बैक साइड इन साइड पुश करना है। इसको भी ऑन 15 के 2 सेट्स करना है। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों लेग्स को जॉइन करके अपने दोनों हैंड्स को फर्स्ट अप साइड लेके जाना है, देन डाउन साइड लेके आना है। अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है, देन अपने चेस्ट को फ्रंट साइड पुश करके रखना है। इसको भी हम 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम हमें अपने दोनों लेग्स को ज्वाइन करके देन फर्स्ट अपने दोनों हैंड्स को फ्रंट साइड ज्वाइन करना है, स्ट्रेट करना है। देन अपने दोनों हैंड्स को ओपन करके देन अप साइड लेके जाना है, देन अगेन ओपन, देन फ्रंट साइड लेके आना है। इसको हमें 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस, आज जो मैंने आपको आर्म्स के बहुत ही इजी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस बताई, आई होप कि आपको मेरी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू एक्सरसाइजेस के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।